नॉलेज और गाइडेंस के पहले वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में जीप कंपास के बारे में कुछ सुनी अनसुनी और कुछ कही अनकही बातें बताएंगे। जी हाँ, लेकिन कार है कहाँ? ये रही। चलिए फिर शुरू करते हैं। चलिए आज हम आपको बताएंगे जीप कंपास दूसरी गाड़ियों से कैसे अलग है। क्या ये 100% मेक इन इंडिया कार है? क्या जीप कंपास अपना इंजन खुद बनाती है? क्या जीप कंपास का गियरबॉक्स खुद का है या दूसरी कंपनी बनाती है? ऐसे कई सारे टेक्निकल सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। साथ में इसका नाइट लुक, इंटीरियर और एक्सटीरियर भी हम आपको दिखाएंगे। जीप का डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट है। इसका इंजन जो है वो 2 लीटर का है, जो कि फियाट कंपनी ने खुद ने बनाया हुआ है। और हाँ, आपको एक बात बता दूं, जीप कंपास जो है वो फियाट ऑटोमोबाइल का ही एक पार्ट है। तो आप ये कह सकते हो कि ये गाड़ी में इसका खुद का इंजन है। अगर हम जीप के पेट्रोल इंजन के बारे में बात करें तो उसका 1.4 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है, जो कि फियाट का खुद का ही मैन्युफैक्चर्ड है। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जीप का खुद का ही है। डीजल और पेट्रोल दोनों के अगर ट्रांसमिशन के बारे में बात करें तो पेट्रोल में डीसीटी ट्रांसमिशन है और डीजल में 9-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। पेट्रोल का जो डीसीटी ट्रांसमिशन है वो जीप का खुद का ही है और 9-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, जो कि जर्मन मैन्युफैक्चरर ZF कंपनी से लिया गया है। यही 9-स्पीड का सेम ट्रांसमिशन जो है वो रेंज रोवर की डिस्कवरी और रेंज रोवर की इवोक दोनों में यूज होता है। फियाट के पुणे रंजनगांव यूनिट में जीप कंपास का मैन्युफैक्चरिंग होता है। ये प्लांट टाटा के साथ जॉइंट वेंचर में है। और हाँ, यहाँ पर टाटा की नेक्सॉन जैसी गाड़ियों का भी मैन्युफैक्चरिंग होता है। जीप कंपास का मैन्युफैक्चरिंग केवल ब्राजील, चाइना, मेक्सिको और इंडिया में ही होता है। इन चारों कंट्रीज के प्लांट के कंपेयर में इंडिया का ही प्लांट ऐसा है जो फर्स्ट फियाट का सिल्वर स्टार रेटेड प्लांट है। जीप कंपास अपने सेगमेंट की सभी कारों के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा इंजन पावर प्रोड्यूस करने वाली कारों में से एक कार है। और हाँ, इसमें 50 से भी ज्यादा सेफ्टी फीचर्स हैं। और ये गाड़ी का कोई भी पार्ट इंपोर्टेड नहीं है, मतलब इसका हर एक स्पेयर मेक इन इंडिया है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये गाड़ी 100% मेक इन इंडिया है। और एक बात और, ये ऐसी पहली 5-स्टार इंडियन रेटेड कार है जो कि यूके, थाईलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे सभी राइट हैंड कंट्रीज में एक्सपोर्ट होती है। सही गाड़ी है, सही मेक इन इंडिया। चलिए अब गाड़ी का नाइट लुक देखते हैं। कार का नाइट लुक इंटीरियर अभी हम देख रहे हैं। स्पीडोमीटर कंसोल और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको दिख रहे होंगे। लाइट ऑन करने पर कुछ ऐसा लगता है। राइट हैंड साइड पर लॉक अनलॉक का बटन, विंडो के कंट्रोल्स और आउटसाइड मिरर के कंट्रोल्स आपको दिख रहे हैं। लाइट ऑन करने पर नीचे की साइड में हेडलाइट के कंट्रोल्स और इल्यूमिनेशन के लिए रॉकर बटन और हेडलाइट का लेवलिंग कंट्रोल आपको दिख रहा है। ये लाइट बंद करने पर इधर एसी के कंट्रोल्स, मीडिया कंट्रोल्स और ये स्क्रीन, ये गियर नॉब, इसके ऊपर यूएसबी पोर्ट और ये 4-व्हील ड्राइव है तो ऑटो सोर्स लैंड एंड मड। ये लाइट ऑन करके आप देख लीजिए। को ड्राइवर साइड की सीट में भी लॉक अनलॉक का बटन और विंडो का कंट्रोल में इल्यूमिनेशन आप देख सकते हैं। अभी हम आ गए हैं बैक सीट पे। एसी के डक के नीचे जो यूएसबी है उसका इल्यूमिनेशन आप देख सकते हैं। और साथ में पीछे के जो दोनों डोर्स हैं उसमें विंडो के लिए जो स्विचेस हैं उसमें इल्यूमिनेशन आपको मैं दिखा रहा हूँ। इस कार की सबसे अच्छी चीज ये है कि इसके हर एक स्विचेस में आपको इल्यूमिनेशन मिलता है, चाहे वो बैक सीट की हो या फ्रंट सीट की हो या स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हो या ड्राइवर के रिलेटेड कोई ऑपरेटेबल बटन हो। तो किसी भी पैसेंजर को और ड्राइवर को इसको ऑपरेट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। कार का नाइट लुक एक्सटीरियर, DRL ऑन है अभी। ये बैक साइड व्यू, DRL के साथ फ्रंट फॉग लैंप ऑन है। ये बैक साइड व्यू विद फॉग लैंप ऑन, DRL
फ्रंट फॉग लैंप और हेडलाइट सभी ऑन है। लाइट ऑफ कंडीशन में गाड़ी की ब्रेक लाइट। लाइट ऑन कंडीशन में गाड़ी की ब्रेक लाइट। और ऐसे ही दूसरी गाड़ी के टेक्निकल नॉलेज और गाइडेंस के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।